उत्तराखंड सरकार के सहयोग से ऋषिकेश परमार्थ निकेतन 1-7 मार्च तक आयोजित इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के समापन दिवस में हिस्सा लेने हेतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज कल ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां स्वामी जी महाराज को तिलक कर स्वागत किया गया। परमार्थ निकेतन के प्रतिनिधियों के साथ स्वामी जी महाराज गंगा तट पर पहुंचे। गंगा तट पर पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज ने अपने हजारों भारतीय व विदेशी शिष्यों के साथ स्वामी जी महाराज का अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर व कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज ने पूज्य स्वामी जी महाराज, गायक कैलाश खेर तथा अन्य सभी विशिष्ट का माल्यार्पण कर तथा पौधा भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात सभी अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत किया गया। गंगा तट पर ही स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज व विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। उद्बोधन के उपरांत सायंकाल स्वामी जी समेत सभी विशिष्ट जनों ने अनोखे रूप में मां गंगा की भव्य आरती में भाग लिया। आरती के पश्चात कैलाश खेर ने सबको गीत सुनाकर मंत्र मुग्ध किया तथा पुनः स्वामी जी, चिरानंद जी व अन्य लोगों ने अपना उद्बोधन दिया। उद्बोधन के पश्चात स्वामी जी महाराज परमार्थ आश्रम में गए और सभी श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। For Paramarth. My whole life is Paramarth. Paramarth means service. Paramarth means charity. Paramarth means almighty. Whole universe is working for me and my life for whole universe. This is right. This air, this space, sun, moon, everything, trees, everything is working for me. So my life for all. And Kailash ji, ये मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा भाई है, और मैंने इसको थोड़ा सा उठाया तो ये पूरे गोदी में समा रहा है। इंटरनेशनल योग डे पर हमने एक प्रोग्राम रखा, वो तो पूरा वर्ल्ड में वायरल हो गया। सो व्हाट इज योगा? दिस होल एग्जिस्टेंस इज योगा इन ब्रह्मांड। द योगा, योगा मीन्स यूनिटी, योगा मीन्स हेल्थ, योगा मीन्स wealth, yoga means peace, yoga means self-healing, yoga means self-realization. Everything is yoga. And through yoga, we can achieve ease and everything in our life. We want health, so we can achieve good health, ultimate health through yoga. We want good figures. I'm not doing any type of stretching exercise or any type of gym, but my finger is very good. No problem. I'm not a bodybuilder. I'm not doing modeling. My model is correct through yoga. Any model cannot do this. Looking six packs, I have one pack.
You can achieve good figures through yoga practice, good health, good mind, divine emotions, divine knowledge, divine strength, divine peace. You can achieve through yoga. I achieve it. And I told in Brahmanda, yoga, unity of Brahma and universe. This is Brahmanda. This is the famous word in our Veda. It's Brahmanda and Brahma. In Brahmanda, unity of Brahma and this nature. This is Brahmanda in our body. The yoga of soul, body. Everywhere is yoga. Each and every breath is yoga. All life is yoga. We want health, wealth, peace, profit, prosperity, success. I'm a healthy man, I'm a wealthy man. I'm a success man through yoga. The ultimate thing in this universe is yoga. Through yoga you can achieve, I told that you can achieve each and everything in your life. You cannot achieve, you can achieve life. Hansaji, ये बहुत डिवाइन सॉन्ग है। 100 years से योग की परंपरा को जो गौरव हंसा जी और योगेंद्र जी ने दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है, बहुत बड़ा गौरव। भानु जी, पूज्य मुनि जी, हमारे छोटे भाई और हमारे डिवाइन फैन, डिवाइन सोल जो कुछ कही, कैलाश जी, हमारे स्वामी प्रेम जी, हमारे लाबा जी, उनके आश्रम में रह गया और भगवती जी, ये तो इस पूरे अनुष्ठान का मूल आधार है। भगवती, सब काम तो भगवान से चलता है, भगवती से ही चलता है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। Do daily yoga in morning. Do daily yoga in morning and karma yoga all day. So yoga and karma yoga. This is enough. भाई देखो, योगी आदमी का जो जीवन है, चरित्र है, आचरण है, वो इतना पवित्र होना चाहिए। कोई आदमी ये ना कहे अरे योगी होके क्या उल्टा पुल्टा करता है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ 100% प्योर पायस ऑफ डिवाइन होनी चाहिए। थ्रू योगा वी कैन अचीव हेल्दी लाइफ, वी कैन क्योर सीवियर प्रॉब्लम्स, बट दिस इज द इनिशियल benefit of yoga. Through yoga we can achieve divine. This is starting with God. आप सबको एक बार मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम और मुनि जी की तपस्या को पूरे विश्व को उन्होंने एकजुट कर दिया है योग के माध्यम से। योग मानी यूनिटी, उसको पूरा हमारे बड़े भाई मुनि जी ने उसको पूरा साकार कर दिया है। मुनि जी के चरणों में भी मेरा बहुत बहुत विनम्र प्रणाम। ये हमारे खाली एक सन्यासी नहीं है, ये हमारे पूरे भारत के, हमारी योगा परंपरा के, ऋषि परंपरा के, सन्यास परंपरा के गौरव है। तो मुनि जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। आज प्रातः कालीन स्वामी जी महाराज का आगमन योग शिविर में हुआ, जहां महिलाओं ने तिलक व आरती कर स्वामी जी महाराज का स्वागत किया। ये शिविर 8 दिन से चल रहे इंटरनेशनल योग फेस्टिवल के समापन दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। इस शिविर में विशिष्ट जनों के साथ साथ हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सेना के जवान व विदेशी सैलानी भी थे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु
सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओमसतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक सहज आसन में बैठ जाते हैं, स्थिर सुखम आसनम, सिद्धासन, बायां पैर नीचे, लेफ्ट लेग को नीचे रखते हैं, राइट को ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, घुटने जमीन पर, ध्यान मुद्रा फॉर मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस, वायु मुद्रा फॉर आर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन, शून्य मुद्रा फॉर यस, पृथ्वी मुद्रा ओवरवेट और अंडरवेट के लिए, वर्ण मुद्रा एक्सक्रेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स के लिए, वर्ण मुद्रा शक्ति मुद्रा फॉर वीकनेस, अपान मुद्रा जिनको बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स नेगेटिव एनर्जी बहुत बड़ी है उसको रिलीज करने के लिए, जैसा आपको उचित हो वैसे एक मुद्रा में ऐसे हाथों को रखते हैं। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ करके योग विद्या का मूल है प्राण विद्या। प्राण विद्या ही मूलतः ब्रह्म विद्या है, अपरा विद्या परा विद्या अध्यात्म विद्या का मूल ये प्राण विद्या है। भस्त्रिका प्राणायाम से यात्रा शुरू करते हैं, लंबा गहरा श्वास लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट रिदमिकली, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन हार्ट प्रॉब्लम हर्निया बैकअप और एनी टाइप ऑफ वीकनेस डू दिस स्लोली एंड इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी energetic or young, so you can do this forcefully like this. Gati ka chayan, apne shakti ke anusar. If you are weak, so you do this slowly. Divine knowledge, divine emotions, divine actions को आप अचीव करते हैं, यह है योग का बड़ा बेनिफिट। डिविनिटी के साथ आप युक्त हो जाते हैं, योग युक्त जहां त्यो भी सुकृत दुष्कृत। माइनस टू और फाइव डिग्री टेम्परेचर में भी आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। यदि आप फाइव मिनट्स इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हैं तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे यंगस्टर्स को फास्ट करना चाहिए, यंगस्टर्स को स्पीड कन्वीनियंस कंफर्ट एनर्जी स्ट्रेंथ ये चाहिए, ये यंगस्टर्स को इससे मिलेगा। यंगस्टर्स को धीरे धीरे करने से मजा नहीं आता, उनमें गति है और गति में ही शक्ति है, गति में ही प्रगति है। इफ यू आर यंग और कंप्लीटली हेल्दी सो यू कैन डू विद मी वन मिनट ओनली, हाँ आप एक मिनट मेरे साथ करके देखेंगे।
एक मिनट आप करते हैं तो आपने देखा होगा अभी आपको पसीना आ जाए, पूरी एनर्जी अंदर से जागृत हो जाती है और कंप्लीट साइलेंस में आप इंटर करते हैं। कंप्लीट साइलेंस, द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योगा, एवरीथिंग इज इनसाइड, पीस, पावर, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, लव, सब कुछ आपके अंदर है, एवरीथिंग है इंसान, एंड वी आर कंप्लीट इन अवर सेल्फ, एंड दिस होल एग्जिस्टेंस इज कंप्लीट इन हिज सेल्फ। पूर्णमदाह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। व्यक्ति दुखित भी होता है जब वो स्वयं में और समष्टि में कहीं न्यूनता, दीनता, हीनता, अल्पता, दरिद्रता अनुभव करता है। स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हैं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ परमार्थ करते जाना, बस यही योग है, यही जीवन का ध्येय है। द सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कपालभाति, मूलाधार सहस्रार, अष्ट चक्रों को एक्टिवेट कर दिया, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। वन सेकेंड, वन स्टॉप, दिस इज द सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। वन सेकेंड, वन स्टॉप, मीडियम स्पीड, मीडियम पॉज। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और बैक एक, so don't do forcefully or speedily this breathing, do slowly, and if you are completely healthy, young or energetic, so you can do this forcefully or speedily like this. चॉइस आपकी है कि कैसे स्पीड आपको सेलेक्ट करनी है। ये है असली समुद्र मंथन, आई हैव अनलिमिटेड साइंटिफिक प्रूफ्स और एविडेंस ऑफ योगा। इफ यू आर डूइंग डेली कपालभाति, सो वी कैन रिमूव अवर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी, डू दिस। नॉन सेक्सुअल disorder and non-sexual desires,
दोनों का एक साथ समाधान है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज स्पर्म की कमी, ओवम की कमी, यूट्रस फाइब्रॉइड्स, ओवरी में फाइब्रॉइड्स, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करते हैं इससे, लीवर प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू कपालभाति, फैटी लीवर, colitis and constipation, indigestion, hiatus hernia, gallstone, kidney stone, diabetes, cholesterol problem, cholesterol, triglycerides, SDL, VLDL, सबको आप बैलेंस कर देते हैं। केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बैलेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस ऑफ माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, बैलेंस ऑफ लाइफ, दिस इज योगा। थ्रू कपालभाति यू कैन बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। वेट का बैलेंस, नो ओवरवेट, नो अंडरवेट, बॉडी को पूरा शेप में लाना है। योगी का पूरा बॉडी शेप में होना चाहिए, उसकी भुजाएं भी, उसका पूरा आर्म से लेकर के ब्रेस्ट से, चेस्ट से लेकर के, स्टमक से लेकर के, पूरा बॉडी उसका बैलेंस होना चाहिए, बॉडी शेप में होना चाहिए। हम मॉडल नहीं है, लेकिन हमें मॉडल से कम भी नहीं रहना है। मॉडल को भी लगे, अरे मुझे अपने मॉडल को अच्छा रखना है, मुझे एक अच्छा मॉडल बनना है, तो मुझे योग करना है। योग का ग्लैमर सबसे हायर टॉप पर होना चाहिए, भोग का ग्लैमर नहीं, योग का ग्लैमर। और मैं ये कर रहा हूं और ये मैं करूंगा, अभी तो लगभग 50 साल तक ही, अभी तो योग की आधारशिला डाली है, आने वाले 50 साल तक और योग के प्रति पूरी दुनिया का आकर्षण पैदा करेंगे, और आप देखना एक दिन पूरी दुनिया योग की शरण में। सबको हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। थ्रू योगा वी कैन अचीव हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हार्मनी, सक्सेस। एंड आई अचीव्ड सक्सेस इन माय लाइफ थ्रू योगा, योगा एंड कर्म योगा, बस यही जीवन के दो सूत्र हैं। In morning, yoga, and whole day, and for whole life, karma yoga. Do this kapalabhati. Yoga bhavati dukkha. Samatvam yoga uchyate. Yoga karmas kaushala. Yoga hi prabhavapyayo. Yoga shitta vritti nirodha. Tam yoga miti manyante sriram indriya dharanam. Apramatta sada bhavati yoga hi prabhavapyayo. योग चित्तवृत्ति निरोध, योग समाधि, योग समाधान, अयम तो परम धर्म यत योगेन आत्मदर्शन। कपालभाति करके, प्राणायाम करके, योग का अभ्यास करके हमें समाधि मिलती है। पहला पाद ही योग सूत्र का समाधि पाद, सारे जीवन के साधन अच्छे हो जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगा, सारे साधना आपको सिद्ध हो जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वेदावे सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रित, यम नियमों के अष्टांग योग के फल मिलते हैं, विभूतियां, सिद्धियां, शक्तियां, विभूति पाद, अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय शान ऐश्वर्य, विभूति पाद, कैवल्य पाद, प्रतिप्रसव योग, हठ योग, हकार कीर्ति तह सूर्य, ठकार चंद्र उच्यते सूर्य।
सूर्य चंद्रम सौर योगा थठ योग निगत्य सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत लेफ्ट साइड सो राइट साइड अग्नि दिस मून एंड दिस सन गंगा यमुना सरस्वती कपाल भाती से मैंने देखा लाइपोमा यू कैन क्योर योर लाइपोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर थ्रू कपाल भाती यू टेक 2 ग्राम टर्मरिक पाउडर इन मॉर्निंग एंड स्टमक एंड डू दिस कपाल भाती कंटिन्यूअसली 30 मिनट्स टू 1 आवर डेली कोई भी हाथ में पैर में बॉडी में कहीं पर भी कोई सिस्ट है लाइपोमा सिस्ट ट्यूमर्स बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर यू कैन क्योर थ्रू दिस प्राणायाम दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड दिस इज माय एक्सपर्टीज डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं डीजनरेट वे पेनक्रियास के सेल्स लीवर किडनी के सेल्स क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वो कपाल भाती से डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट होते हैं ये है बड़ी महिमा और जो सुप्त शक्ति है साइलेंट नॉलेज साइलेंट एनर्जी साइलेंट स्ट्रेंथ वो सब एक्टिवेट हो जाता है ये कपाल भाती की में डीजनरेट वे सेल्स को रीजनरेट कर देते हैं और सुप्त शक्ति को जागृत कर देते हैं बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एक्शंस का सब कुछ का बैलेंस कर देते हैं समदोषाः समाग्निश्च समधातुम अलक्रियाः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते कंप्लीट हेल्थ यू कैन अचीव थ्रू योगा